असेंबलियों को भी बहाल कर दिया गया है। असेंबली का तहलील करने का जो सदर पाकिस्तान था हुक्म था उसको भी जो है वो कलादम करार दे दिया है अदालत ने। अदालत ने नए इंतखाब कौम से माफी मांगी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर अब मोर लग गई कि उन्होंने गैर आइनी साजिश की। इससे पहले डस्का में उन पर मोर लगी कि उन्होंने धांधली की थी, इलेक्शन कमीशन में मोर लग गई कि फॉरेन फंडिंग में धांधली की थी। तो अब ये सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं, फॉरेन फंडिंग में भी चोरी की, इलेक्शनों में भी चोरी की और आइन पे भी डाका डालने का इन्होंने जसारत की। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है सर, यार जवेद भाई ऐसा इकबाल साहब बात कर रहे थे, कह रहे थे माफी मांगे, जो कुछ किया आप सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया।